अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे कहा जाता है। इसका मकसद है विविधता में एकता, मानवता को एक साथ जोड़ने का महत्व लोगों को बताने और जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में 20 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, तवांग झड़प के बाद चीनी एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ी। अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ड्रोन और फाइटर जेट्स तैनात किए हैं चीन ने। वहीं हमारे देश में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य की सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन देखा गया। 300 शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सीमा पर रोका। पटोले बोले कि पीएम महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्कू कोरोना पॉजिटिव निकले। विधानसभा का शीतकालीन सत्र और उनका अभिनंदन कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। पीएम मोदी से भी आज ही मुलाकात करने वाले थे, उसको भी टाल दिया गया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि हमें आपसे प्रेरणा मिलती है। और इस मुलाकात के साथ ही दोस्तों सुंदर पिचाई ने भारत के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर दिए गूगल के द्वारा। देखिए, जैसे गूगल फाइल्स से भी अब आप डिजी लॉकर में एक्सेस कर पाएंगे। डिजी लॉकर जो कि मतलब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट ऐप है, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, तो अब गूगल फाइल से भी आप डिजी लॉकर में एक्सेस कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, आवाज से भी सर्च कर सकेंगे गूगल पे पर लेन देन का डेटा। इवेंट के लिए सीईओ सुंदर पिचाई भारत आए, गूगल फॉर इंडिया इवेंट चल रहा और इस मौके पर गूगल ने IIT मद्रास को भी 8.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर रिसर्च होगी। और इतना ही नहीं, बिजनेस में महिलाओं की मदद करेगा गूगल। स्टार्टअप फंडिंग के लिए 75,000 करोड़ का फंड भी जारी किया और इसको लेकर गूगल ने प्लान भी बताया। $10 अरब का भारत डिजिटलीकरण कोर्स शुरू किया। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान। अगली बड़ी खबर आ रही है, सस्ता सोना खरीदने का मौका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण सरकार ने शुरू कर दिया। 19 से लेकर 23 दिसंबर तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। 1 ग्राम सोने की कीमत 5,409 रुपए रखी गई है। अच्छा भाई, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर BSF ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इंडियन आर्मी में महिलाएं भी बॉर्डर रक्षा सैनिकों के रूप में तैनात होगी। देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर पहली बार महिलाओं को गार्ड के रूप में तैनात किया। घने जंगल के बीच दुश्मनों से दो दो हाथ करेंगी। बड़ी खबर आ रही है, 5G सर्विस के लिए सरकार ने 20,980 बेस स्टेशन बना दिए हैं और हर सप्ताह 2500 नए स्टेशन बन रहे हैं, ताकि देश भर में 5G इंटरनेट को शुरू किया जा सके, बढ़ाया जा सके। इस बात की जानकारी सरकार ने राज्यसभा में दी है। अच्छा, अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो आपको एक नया फीचर मिलेगा, एक्सीडेंटल डिलीट फीचर। व्हाट्सएप जोड़ने जा रहे हैं, यानी कि गलती से अगर आपका मैसेज डिलीट हो गया हड़बड़ी में, तो आप उस डिलीट किए हुए मैसेज को भी वापस रिस्टोर कर पाएंगे, अनडू डिलीट कर पाएंगे। जल्दी आपको व्हाट्सएप में इस तरह का नया फीचर भी मिलेगा। वह देखिए बड़ी खबर, जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल करना सेना का अपमान है। हाल ही में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारत के विदेश मंत्री का ये रिएक्शन सामने आया। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र नासिक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट हब बनाएंगी कई सारी सड़क परियोजनाएं। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह बड़ा ऐलान किया। 226 किलोमीटर की एक सड़क परियोजना का उद्घाटन भी किया। वैसे अरुणाचल प्रदेश में भी फ्रंटियर हाईवे बनेगा, चीन और तिब्बत बॉर्डर के करीब से गुजरेगा ये, आर्मी मूवमेंट में आसानी होगी। कर्नाटक सरकार हलाल मीट को बैन करने की तैयारी में है, इसको लेकर विधानसभा में बिल पेश करेगी, चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। बड़ी खबर आ रही, किसानों ने केंद्र सरकार को अंतिम चेतावनी दी और कहा कि अगर समाधान नहीं किया तो आने वाला संकट गंभीर होगा। कल दिल्ली में किसान भाई लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और केंद्र सरकार को यह हिदायत दी। अच्छा, वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ नए नियम आए हैं, अब इन बातों का आपको पालन करना अनिवार्य होगा। दरअसल अब आप बिना RFID कार्ड के वैष्णो देवी यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। आपको बता दूं, RFID टैग का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड, ये होना अब आपके पास अनिवार्य होगा। अच्छा भाई, बड़ी खबर आ रही, ताजमहल समेत ऐतिहासिक स्मारकों पर अब गर्लफ्रेंड या ऐसे वैसे किसी लड़की लड़कियों का नाम लिखना भारी पड़ेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको पता होगा अक्सर ऐसी करतूतें हमें देखने को मिलती है, कई सारे असामाजिक तत्व कहीं घूमने जाते हैं पर्यटक स्थलों पर, पत्थर से, चौक से, कोयले से, हर कहीं पर दीवारों पर नाम लिख देते हैं, जैसे पूजा, आई लव यू वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो ऐसी हरकतें करने वाले लोगों पर अब सख्त जुर्माना लगाया जाएगा प्रशासन की तरफ से। अच्छा भाई, बड़ी खबर है, समंदर में होने वाले अपराधों से निपटने के लिए भारत में जल्द ही कानून बनाया जाएगा, इसको लेकर लोकसभा में बिल पारित हो चुका है। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही, श्री जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन 25 जनवरी से होगी शुरू, प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे यात्री। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हवा बेहद जहरीली हो गई है, AQI का स्तर 450 तक पहुंचा। वह देखिए, देश का पहला BSF थीम पार्क सम के रेगिस्तान में बनकर तैयार हुआ, आम नागरिक या पर्यटक भी यहां पर घूमने के लिए आ सकेंगे। बड़ी खबर आ रही है, अब आपको इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर EV चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। इलेक्ट्रिक कार वालों को अब चार्ज करने में आसानी होगी, इसको लेकर IOCL ने देश भर में 18 प्राइम लोकेशन पर चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए एक साझेदारी भी की है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में यह सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित हुआ। तकरीबन 45 मिनट तक 750 ड्रोन ने हवा में कलाबाजी दिखाई। 2 किलोमीटर दूर तक भी अद्भुत नजारा दिखाई दिया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दरमियान भारत का मैप भी बनाया गया ड्रोन के द्वारा। वैसे उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है, यूपी में लगभग
4,00,000 रुपए का निवेश किया जाएगा और 5,000 acres से नॉलेज स्मार्ट सिटी भी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश नोएडा में। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर खबर आ रही कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन। 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा 4,910 आवासों का निर्माण ताकि जल्द से जल्द गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल सके। अच्छा, कल ही झारखंड के साहिबगंज में जो रूबिका हत्याकांड की घटना सामने आई थी उसमें खबर आ रही दोस्तों कि हत्यारों ने उसकी खोपड़ी तक के भी 3-4 टुकड़े कर दिए और दिलदार अंसारी की माँ भी इस कांड में शामिल है और उसका मामा भी शामिल है। पुलिस ने उन सभी को खोज करने में जुटी हुई है। वह देखिए, पंजाब में खुला पहला सरकारी रेत बजरी केंद्र, सस्ता मिलेगा मटेरियल। और इतना ही नहीं, पंजाब के माइनिंग मंत्री बेंस का कहना कि अब हर जिले में सरकारी रेत यानी कि बजरी का केंद्र खुलेगा और अब लूटपाट नहीं होगी। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.4 तीव्रता रही रिएक्टर पैमाने पर, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश महाकाल मंदिर में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक गर्भगृह में लोगों की नो एंट्री रहेगी, मोबाइल पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। मेडिकल इंडस्ट्री से बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे एड्स के मरीज। 100% सफल ट्रायल से दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिकों में जश्न का माहौल देखा गया। दरअसल अमेरिका ने ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देने वाली एक नई इंजेक्टेबल दवा को मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि अब जल्द ही दुनिया में HIV का इलाज